हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का, ठीक है, परिमेय संख्या का मतलब जो बटे के रूप में हो, भिन्न के रूप में, वही आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर कोई भी भिन्न दिया हो, इसका हम सरलतम रूप कैसे लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि इस संख्या को एकदम से काट करके सबसे छोटा जहाँ पर न कटे वो वाला रूप हम इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8/10 है, माइनस लगा है, फिर 1225/945, इसका हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये वाला सिचुएशन जब आप किसी भी क्वेश्चन को आप हल कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पर ये वाला चीज़ मिल जाता है, जब पूरा जोड़ करके और बटे में आपको कुछ इस तरीके का जब भाग करने के लिए आ जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम से आसान तरीका बताऊंगा, चाहे जितना बड़ा हो या फिर चाहे जितना छोटा हो, अगर आपको ना समझ में आए कि इसको कैसे काटें, तो सिंपल मैं आपको एक विधि बताने वाला हूँ, उस विधि से हल कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी भिन्न हो, एकदम से ईजिली आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले छोटा सा ही शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि माइनस का 8/10, ठीक है, तो ये तो बहुत लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एकदम से डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। ये जो 8 लिखा है, 8 को सिंपल आपको इस तरीके से इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, आगे इतना। नीचे वाला 10 है तो इसको लिख लीजिए, कहीं रफ में कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें भी 2 मिले, इसमें भी 2 मिला है, तो इसमें ये वाला जो 2 मिला है इसको और इसमें से 1-2 को काट दीजिए, और जो बचा है उसको सिंपल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो देखिए 8 में क्या चीज़ बचा हुआ है, तो 2 और 2, तो 2×2=4, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 4। 10 में क्या बचा है, तो सिंपल एक 5 बचा है, तो 5 लिख देंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसी तरीके से अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसका करते हैं, ठीक है, बड़ा वाला लास्ट में बताते हैं। ये 25 दिया और 45 दिया हुआ, ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है 25, कहीं रफ में 5 से काटेंगे तो 5×25, फिर 5 से काटेंगे 5×5 45 का काटेंगे तो 45 का हो जाएगा, 5×9=45, 3×3=9, 3×1=3, ठीक है। इससे 5 ख़त्म, ये वाला बचा कितना, 25 वाले में 5 बचा, ठीक है, 25 वाले में 5 हमने लिख दिया, 45 वाले में तो 3×3=9 बचा, 9 हमने लिख दिया, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला करना है तो देखिए सिंपल लिखना है इस तरीके से, 15 तो 3 से कट जाएगा 15, तो 3×5=15, 5×1=5, 20 है तो 20 लिख लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5×4=20, 2×2=4, फिर 2×1=2, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ मिला, तो यहाँ पर 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, कट गया, तो 15 वाले में क्या बचा है, 3 बचा है, तो सिंपल ये 3 हो जाएगा, और 20 वाले में क्या बचा है, तो 2 बचा है, तो 2×2=4, यहाँ पर लिख दीजिए 4, सिंपल इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ये तो मान लीजिए छोटा छोटा था, अब अगर बड़ा बड़ा कुछ इस टाइप का आ जाए, इसका कैसे करेंगे, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेम यही तरीका इसमें भी अप्लाई करेंगे, देखिए कितना है, 1225 है, तो सिंपल आपको लिखना है 1225 और इस तरीके से कर देना, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, 5×10 बचा यहाँ पर, यहाँ पर 12 है, ठीक है, तो 12 हमारा 10 आया है, ठीक है, यहाँ पर 12 है तो 2 बचा, तो 2 को हम इस 2 के आगे रखेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 5×4=20, फिर आपका 2 बच गया, ठीक है, अब 2 बच गया तो 5 के आगे इस 2 को रखेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 5×25, ख़त्म कहानी, ठीक है। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही कट जाएगा, तो 5 दोनों संख्या लेंगे तो 5×4=20, अब ये 4 बचा है, 5 के आगे 4 है, वो 45 हो जाएगा, 5×9=45, फिर उसके बाद से ये वाला आपका 7 से कट जाएगा, तो ये आपका 7×7=49, फिर 7×1=7, ठीक है। अब ये वाला 945 को काट लेते हैं, 5 है लास्ट में तो 5 से ही कट जाएगा, तो 5×5 बचा है यहाँ पर, 5×9=4 बचा है, तो 4 के आगे 4 रखेंगे 44 हो जाएगा, ठीक है, तो 5×8=40, ठीक। अब यहाँ पर 45 हो जाएगा तो 5×9=45, फिर ये 3 से काट देंगे तो 3×6=18, 3×3=9, फिर 3 से तो 3×2=6, 3×1=3, फिर 3 से
तो 3 × 7 = 21, फिर 7 से कटेगा ना, तो ये 7 से कट जाएगा एक बार में। ठीक, देखिए इसमें भी एक 7 मिल रहा है, यहाँ से एक 7 ख़त्म कर दीजिए, 5 मिल रहा है, यहाँ से 5 ख़त्म कर दीजिए। अब कितना बचा है, तो ये 7 × 5 = 35, दोनों गुणा करके लिख दीजिए, तो 1225 वाले में कितना 35 बचा है, तो 35 लिख दीजिए। ठीक, 945 वाले में कितना बचा है, तो 3 × 9 = 27, ठीक है, तो 27 लिख दीजिए। सिंपल यही इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज़ आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो चीज़ है ये कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।